गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसको कैसे करना है, इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम्स के फॉर्म में करना है। तो हियर देखिए, पहले तो हम लोग फंक्शन देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, ए इज पावर एक्स। ए की वैल्यू क्या है, -1, बी क्या है, 1। तो एच निकाल लेंगे, एच का फॉर्मूला था बी माइनस ए डिवाइड बाई एन। तो b क्या है आपके पास, 1, और -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 डिवाइड बाई n, तो ये बन गया आपके पास 2/n। तो डेफिनेशन लिखते हैं लिमिट एज ए सम वाली। तो बाय डेफिनेशन इंटीग्रल ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए प्लस में एन माइनस वन एच। इस तरह से हम लोग डेफिनेशन लिखते थे। तो हमें इंटीग्रल निकालना, -1/1 एफ ऑफ एक्स क्या हो गया हमारे पास, ई की पावर एक्स, फंक्शन हमारा ई की पावर एक्स। तो ये ई रिच पावर एक्स डी एक्स, बी माइनस ए क्या बनेगा, 2 बन जाएगा, 2 लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n एफ ऑफ ए के प्लेस पे क्या है, -1। तो एफ ऑफ -1 एफ ऑफ -1 प्लस में एच। एक स्टेप और लिख लेते हैं इसमें हम, एफ ऑफ -1 प्लस में 2h और प्लस में लास्ट स्टेप आ जाएगा फिर एफ ऑफ -1 प्लस में एन -1 एच। ये लास्ट स्टेप में टर्म आ जाएगा। तो इसके हिसाब से देखो, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, 2 लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब देखो एक्स के प्लेस पे क्या रखना, -1, एक्स के प्लेस पे -1 रखो तो ई की पावर -1 आ जाएगा, प्लस में इज पावर -1 प्लस में एच आ जाएगा, ई की पावर -1 प्लस में 2h और प्लस में ई की पावर -1 प्लस में एन -1 इंटू एच, ये आ जाएगा। तो इसमें सभी में देखते हैं हम लोग, ई की पावर -1 है ना, कॉमन आ जाएगा इस सभी में से, तो उसको यहाँ लिख लेते हैं ई की पावर -1 को, क्योंकि कांस्टेंट है ना, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। तो यहाँ तो 1 हो गया, ये ई की पावर -1 हट गया, तो क्या बचा, ई की पावर h, ई की पावर 2h प्लस ई की पावर n -1 इंटू एच, ये इस टाइप से बच गया हमारे पास। तो इसको 2 पावर को अगर प्लस करेंगे तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। अब ये देखो, ये gp बन गया, gp, ठीक है ना। gp क्या होती है, हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो कॉमन रेशो सेम होना चाहिए। देखो सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किया, e की पावर h, थर्ड को सेकंड से डिवाइड किया तो e की पावर एच, है ना, तो इसलिए जीपी बन गई है। तो जीपी का सम का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, सम ऑफ सम टू एन टर्म्स ऑफ ए जीपी इज इक्वल टू ए इंटू आर इज पावर एन -1 अपॉन आर -1। ये हमारे पास
फार्मूला होता है जीपी की एन टर्म्स का सम निकालने का। आर क्या है? कॉमन रेशो। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है ना, तो उसके अकॉर्डिंग देखो अगर हम लोग यहां लिखें तो ए तो क्या हो गया, वन हो गया। अब देखो आर की पावर एन करेंगे, आर कितना यहाँ ई की पावर एच, ई की पावर एच की पावर एन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ई की पावर एन एच बन जाएगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर की मल्टीप्लाई। माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो फिर वही आर के प्लेस पे ई की पावर एच माइनस वन, ये जीपी का सम बन गया। ठीक है, इस फार्मूले में पुट कर दिया हमने। तो फिर इसको देखो आगे सिंप्लीफाई करते, फिर ये हमने इसका रीजन लिखा तो इज इक्वल टू 2 बाय ई लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय एन इंटू ई की पावर एन एच, एच की वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग। देखो हमने जो एच निकाला था वो क्या था, 2 बाय एन था, तो इसके प्लेस पे क्या रख लेंगे, 2 बाय एन रख लेंगे, तो एच के प्लेस पे 2 बाय एन माइनस वन अपॉन फिर ई की पावर एच आ गया एच के प्लेस पे, फिर 2 बाय एन माइनस वन। तो ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया आपके पास 2 बाय ई की पावर, सॉरी 2 बाय ई लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और 1 बाय एन इंटू, तो ये बन गया ई की पावर 2 माइनस 1 अपॉन इज पावर 2 बाय एन माइनस 1। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, इसमें तो क्या करेंगे, इसको तो कॉमन ले लेते हैं, इसको कॉमन लेंगे तो देखो ये बड़ा 2, ये यहाँ लिखे ना कॉमन ले लिया हमने इसको, इसको कॉमन लिया तो देखो ई स्क्वायर माइनस वन कॉमन डिवाइड बाय ई, ये लिख लिया हमने लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय एन, यहाँ देखो आपके पास बचा 1 अपॉन इज पावर 2 बाय एन माइनस 1, इस टाइप से बच गया। अब देखो अगर हम लोग डायरेक्ट एन की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 बाय एन माने 1 बाय एन तो 0 हो गया, ई की पावर 0 1 1 माइनस 1, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगी, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट तो लिमिट पुट नहीं कर सकते अब, तो इसलिए क्या करेंगे इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम लोग, ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन ई की पावर 2 एन माइनस 1, ये जो आपका 1 बाय एन है इसको इसके डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 1 बाय एन करके। देखो इसको मल्टीप्लाई में जब करोगे तो ये यही बन जाएगा मना, इसलिए ये इसी के ही इक्वल है, क्योंकि ये अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई में करेंगे इस डिनोमिनेटर को तो 1 बाय एन डिवाइड में ये, तो यही तो हमारे पास यहाँ है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 11th क्लास में लिमिट वाला चैप्टर जब उसमें करते थे वो होता था लिमिट एक्सटेंस टू 0 ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होता था, तो वो 1 के इक्वल होता था, तो उस लिमिट का यूज कर लेंगे हम इसमें, लेकिन उसमें एक्स होता था यहाँ, लेकिन यहाँ अगर 1 बाय एक्स कर दें तो वो 1 बाय एक्स किसको टेंड करेगा, फिर इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है ना, तो उसी का यूज कर लेते। लेकिन हमें देखो यहाँ पे एक्स 2 बाय एन है और यहाँ क्या है 1 बाय एन है, तो इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, मतलब उसको इस तरह से लिख लेते हैं हम लोग, इन टू में 2 कर लेते हैं इसके साथ, ये इसके मल्टीप्लाई में है, मैंने इसको ऐसे कह दो, ऐसे लिख लिया हमने 1 बाय 2, ठीक है ना। तो
इज इक्वल टू 2 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई। तो ये जो लिमिटिंग है ये तो क्या बन जाए, ये 1 बन जाएगा आपके पास, है ना। इसमें लिमिट या ऐसे लिख लो, एक बार एक स्टेप और लिख लेते हैं, 1 अपॉन लिमिट को यहां रख लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ई रिज पावर 2 बाय n माइनस 1 और ये 2 बाय n और इंटू में 1/2, इस तरह से लिख लिया हमने इसको। तो आप इसको लिख सकते 2 ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई तो इंटू में 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और इंटू में 1/2। तो हमने देखो क्या किया है, बिकॉज लिमिट या तो h रख लो या x रख लो, h टेंस टू 0 ई रिज पावर h माइनस 1 अपॉन h, वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। अगर यहाँ 1/h होता तो h इन्फिनिटी को टेंड करना चाहिए फिर भी है, तो एक ही बात है ये। तो देखो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया आपके पास ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई, अलग अलग कर लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो ई स्क्वायर बाय ई माइनस 1/ई, ये तो इसकी पावर कम कर देगा और ये क्या आ गया 1/ई, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो इसमें भी हम लोग उसी टाइप से कर लेते हैं। तो पहले तो यहाँ क्या है, फंक्शन देखते हैं, हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस में ई रिज पावर 2x, ये तो फंक्शन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ a क्या हो गया 0, b क्या हो गया 4, तो h निकाल लेते हैं, h इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाय n, b कितना 4 माइनस 0 डिवाइड बाय n मीन्स 4 बाय n आ गया। तो बाय डेफिनेशन लिखते पहले, बाय डेफिनेशन इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू b माइनस a लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इंटू f of a प्लस में h f of a प्लस में n माइनस 1h, ये हमारी डेफिनेशन है। तो फिर इंटीग्रल ऑफ 0 टू 4 x प्लस में e रिज पावर 2x dx b माइनस a क्या आ गया 4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n, a के प्लेस पे क्या है 0, अब f ऑफ 0 प्लस h, तो h लिख लेंगे डायरेक्ट, है ना। तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, f ऑफ a प्लेस पे तो 0 हो गया तो 2h आ जाए इस तरह से, और लास्ट स्टेप में देखिएगा f ऑफ ये 0 हो गया तो क्या बचा n माइनस 1h, ये लास्ट स्टेप हो गया। अब इसको देखो इज इक्वल टू 4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n f ऑफ 0, माना फंक्शन में जहां x वहां 0 रखेंगे, ये 0 ये e की पावर ये 0 हो जाए, तो 1 लिख लें 1 आ जाएगा, लिख देते हैं 0 और e की पावर 0 हो जाए, ये फर्स्ट टर्म है। अब x के प्लेस पे h रख लेंगे तो h प्लस में e की पावर 2h प्लस में, अब x के प्लेस पे फिर 2h रखेंगे, अब 2h प्लस में e की पावर, अब देखो इसके प्लेस पे 2h रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4h हो जाएगा,
और प्लस में आप देखो एक्स के प्लेस पे एन माइनस वन इंटू एच रखेंगे, एन माइनस वन एच, और प्लस में ई की पावर टू एक्स, तो एक्स के प्लेस पे एन माइनस वन इंटू एच, ये आपका लास्ट टर्म है। इस तरह से लिख लिया हमने इसको, तो फोर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाय एन, ये तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, एच प्लस में ई रिच पावर टू एच प्लस में टू एच प्लस में ई की पावर फोर एच, और प्लस में एन माइनस वन इंटू एच प्लस में ई रिच पावर टू इंटू एन माइनस वन एच। तो अब देखो इसको आगे कैसे करेंगे, तो एच वाली टर्म तो अलग कर लेते हैं हम लोग, देखो ऐसे फोर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाय एन, देखो एच वाली टर्म को हम लोग लिखेंगे एच, फिर क्या है टू एच, और फिर क्या हो जाएगा एन माइनस वन इंटू एच, एन माइनस वन इंटू एच। अब ये जो है इसमें सेकंड टर्म से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें टर्म कितने होंगे, एन माइनस वन टर्म होंगे। फिर देखो प्लस में ई की पावर टू एच, ई की पावर फोर एच एंड दिस, लेकिन ये वन रह गया है वन, तो वन का क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ ही रख लेते हैं, या तो वन को अलग से छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है, या फिर वन को इसके साथ इंक्लूड कर लेते हैं इनके साथ। तो ये क्या बना, e की पावर 2h प्लस में e की पावर 4h, और यहाँ लिख लेते हैं प्लस में, और e की पावर 2 इंटू एन माइनस वन एच, ठीक है ना। ये हमने यहाँ से यहाँ तक के टर्म को अलग कर लिया, तो इसको लिखेंगे फोर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाय एन। इन सब में देखो एच कॉमन आ रहा है, तो एच कॉमन ले लेते हैं, तो एच यहाँ क्या बचा वन टू, तो लास्ट में एन माइनस वन बच जाएगा। और इधर देखते हैं ये जीपी में बन गया, अब देखो क्या करेंगे, ई की पावर टू एच को वन से डिवाइड किया ई की पावर टू एच, ई की पावर फोर एच को ई की पावर टू एच से किया फिर ई की पावर टू एच, तो इसका सम लिख लेंगे। जीपी का सम क्या, ए ए के प्लेस पे क्या है फिर वन है, ई माना आर की आर क्या हो गया कॉमन रेशो, कॉमन रेशो क्या हो गया ई की पावर टू एच, तो इसकी पावर n करेंगे तो क्या बन जाएगा 2nh बन जाएगा, और माइनस वन अपॉन r माइनस वन, r के प्लेस पे e की पावर 2h माइनस वन। ये हमने सम ऑफ gp कर लिया, यहां लिख लेते हैं बिकॉज सम टू एन टर्म्स ऑफ जी पी इज इक्वल टू ए इंटू आर इज पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये जी पी के सम का फार्मूला है। तो फोर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाय एन एच, अब ये तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सम, पर इसमें टर्म कितने हैं, वही एन माइनस वन टर्म है इसमें, ठीक है ना, हमने लिखा था ऊपर एन माइनस वन टर्म है इसमें भी, इसमें कितने टर्म होंगे फिर देखो, इसमें इसमें देखो इसको हमने कहाँ से स्टार्ट किया था लिखना, हमने इसको
इससे लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन वन हमने इसी में इंक्लूड कर दिया था, तो इसका मतलब इसमें टर्म कितने, इसमें एन टर्म है, इसमें एन माइनस वन टर्म है, इसमें एन टर्म है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो फिर देखो फिर इसको आगे कैसे लिखेंगे, एच तो ये नेचुरल नंबर का सम, एन के इसमें तो एन माइनस वन होगा एन, और एन माइनस एन प्लस वन करोगे तो एन आ जाएगा, डिवाइड बाई टू प्लस में ए की पावर टू, एच की वैल्यू रख लेंगे, एच की वैल्यू या तो डायरेक्ट कह दो एन एच की वैल्यू रख लोगे, या कह देंगे एच की वैल्यू रख लेंगे, एच एच की एच के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, एच हमने निकाला फोर बाई एन, तो इसके प्लेस पे फोर बाई एन रख लेंगे। ए तो वन हो गया ना, ये तो वन था, इसलिए माइनस वन अपॉन आर माइनस वन ये लिखा हुआ है, जो ई की पावर टू एच माइनस वन, तो फोर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाय एन। देखो एच के प्लेस पे फिर फोर बाय एन रख लेंगे और एन माइनस वन एन अपॉन टू ये इससे कैंसिल, ई की पावर एट माइनस वन अपॉन ई की पावर टू एच माइनस वन। यहां भी हम लोग एन की वैल्यू रख लेंगे, ठीक है ना, एच के प्लेस पे, एच के प्लेस पे क्या फिर फोर बाय एन, इस तरह से आ गया। तो फोर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाय एन, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये टू टू जा फोर, तो ये बचा टू इंटू में एन माइनस वन और प्लस में इज पावर एट माइनस वन अपॉन ई की पावर, अब ये क्या बन गया एट बाय एन बन गया, ये एट बाय एन माइनस वन है ना, फोर टू जा एट, एट बाय एन माइनस वन बन गया। अब लिमिट को अलग अलग प्रोसीड कर लेंगे, फोर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, या पहले ऐसे कर लेते इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले देखो मल्टीप्लाई करोगे वन बाय एन को अंदर, तो इधर तो क्या बचेगा वन, इसके साथ करेंगे तो ये वन बाय एन, और प्लस में ये क्या हो जाएगा वन बाय एन इज पावर एट माइनस वन अपॉन इज पावर एट बाय एन माइनस वन, इस टाइप से हमने इसको लिख लिया। अब आगे देखते हैं, अब अलग अलग लिमिट ले लेंगे, फोर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और ये टू इंटू में वन माइनस वन बाय एन, प्लस में फोर दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको भी ऐसे फोर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और इज पावर एट माइनस वन अपॉन इज पावर एट बाय एन माइनस वन, और ये जो वन बाय एन मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में कर लेंगे ऐसे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में हो गए उसी के इक्वल बनता है, ताकि हम लोग लिमिट अप्लाई कर सके ना उस फार्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका जो है e की पावर में एट बाय एन है, ये वन बाय एन है, तो इसको भी एट बाय एन कर लेते हैं, क्या करेंगे एट से डिवाइड कर दिया, एट से मल्टीप्लाई कर लिया इस टाइप से। तो फिर इसको लिखें फोर, इसकी तो लिमिट अप्लाई कर देंगे टू इंटू में वन, तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस में फोर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इज पावर एट माइनस वन अपॉन इज पावर एट बाय एन माइनस वन अपॉन एट बाय एन, और ये वन बाय एट ही है, ये
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/8, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर ले लेंगे और ये आपके पास बन गया 4 × 2 = 8 इंटू 1 8 ही बनेगा। प्लस में देखो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, एक तो आपके पास e की पावर 8 -1 और इसके डिवाइड में 1/8 या मल्टीप्लाई कह लो 1/8 है, और इधर हम लोग लिमिट अप्लाई कर लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/8n -1/8n। तो देखिएगा 8, ये 4 × 2 = 8, तो ये बचा e की पावर 8 -1/2 इंटू में, देखो तो ये क्या हो जाएगा 1, अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिमिट की है ना, भले लिमिट को यहाँ लिख लो चाहे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा है ना, बिकॉज एज लिमिट एस टेंस टू 0 e की पावर h -1/h वो क्या होता है 1 के इक्वल होता है, अगर 1/h करेंगे तो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, माना एक ही बात है ये, इसका यूज करके हमने कर लिया है। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, क्या आ गया, ये तो मल्टीप्लाई होके यही बचा ना, तो 2 LCM 8 × 16 प्लस e की पावर 8 -1, तो क्या बच गया 15 प्लस e की पावर 8 / 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।